हे गाइस, कैसे आप सभी की सभी लोग। आज मेरे पास म्यूजन की तरफ से आने वाला म्यूजन साइबर क्यूब कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा बॉक्स है। इसके यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको म्यूजन साइबर क्यूब ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाएगा। एक पोर्टेबल स्पीकर है। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे इस डब्बे को, आपको उसके अंदर एक और डब्बा देखने के लिए मिलेगा और उसको आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। भाई, अगर आप अच्छा प्राइस पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ एक बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ, अब तक का आपको सबसे बेस्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में आपको देखने के लिए इसी में मिलेगा। सो भाई, यहाँ पे आपको कुछ कैरी बैग टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अंदर ये बॉक्स रखा है म्यूजन स्पीकर का, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये लिखा हुआ है म्यूजन, इसको भी अपन साइड को रख देते। काफ़ी बढ़िया अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको देखने मिल रहा है। अगर आप एक प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो तो आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे इसका मैं छोटा सा रिव्यू करूंगा और हो सके तो इन फ्यूचर में और अच्छा इन डिटेल रिव्यू भी लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। यहाँ पे भाई साइड में आपको काफी सारी डिटेल्स इसकी देखने के लिए मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कस्टमर केयर वगैरह की। यहाँ पे एमआरपी इसका 10,999 देखने के लिए मिल जाता है, बट ओरिजिनल प्राइस आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। और भाई कुछ इस प्रकार का बॉक्स है, काफ़ी बढ़िया बॉक्स है, काफ़ी सॉलिड बॉक्स है, काफ़ी बढ़िया अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बॉक्स को कुछ स्लाइड करके ओपन करना है कुछ इस प्रकार से, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इसका। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको कुछ इस प्रकार से ब्लूटूथ स्पीकर ये देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई हाथ में लेते साथ भाई एक फील आ गई, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का स्पीकर है। पूरा यूनिम बॉडी मेटल वाला डिज़ाइन आपको देखने मिलता है। पूरा ये है जो मेटल से बना हुआ है भाई, एक भी चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, पूरा मेटल से बना हुआ है। यहाँ पे आप इसके बाद आपको अंदर में कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। इसको भी मैं साइड को रख देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं। अंदर आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना नहीं जानते तो भाई इसका यूज़ कर सकते हो, बट कौन ही करता है इसका यूज़ यूज़र मैनुअल का। इसके बाद यहाँ पे अंदर में एकदम ही ज़्यादा छुपा के इन्होंने दिया है, जो कि है टाइप सी केबल, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एक ब्लूटूथ स्पीकर में आपको टाइप सी केबल देखने के लिए मिल रहा है, नहीं तो भाई यूजुअली MI जैसे ब्रांड आपको माइक्रो USB ही देते हैं। भाई कुछ इस प्रकार से आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। बॉटम में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएगी, मेड इन चाइना है। यहाँ पे बैक साइड में काफ़ी बढ़िया सा मेटल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, पूरा मेटल से ये बना हुआ है। यहाँ पे बात करें तो भाई इसका डिज़ाइन फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे पता नहीं क्यों कैमरा टाइप का लग रहा था। यहाँ पे साइड में आपको जो है चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और काफ़ी फास्टली ये चार्ज हो जाएगा बिकॉज इट्स अ टाइप सी पोर्ट। यहाँ पे भाई इसका डिज़ाइन ना फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को कैमरा टाइप ही लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इसके लिए परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में। प्ले पॉज का बटन देखने के लिए मिलता है, फ्लैश भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये काफ़ी बढ़िया बात है कि स्पीकर में आपको फ्लैश देखने के लिए मिल रहा है। बाई चांस आप कहीं लेके गए इस स्पीकर को और आपको फ्लैश की ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, तो आप फ्लैश भी यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरा सॉन्ग लगाना है, लाइक आगे करना है पीछे करना है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये स्विच टाइप से नहीं कह सकते, बाकी बढ़िया चीज़ है ये। और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पावर ऑन ऑफ और फ्लैश लाइट का बटन देखने के लिए मिलता है। कुछ इस प्रकार से इसको पावर ऑन करना रहेगा। डिज़ाइन भाई पावर ऑन होते ही आपको कितना बढ़िया कमाल का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, ये तो भाई आपको लाइट बंद करके ही मैं दिखा पाऊंगा। सो चलो फटाफट से मैं लाइट को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। और आप मैंने यहाँ पे लाइट को ऑफ कर दिया, देख सकते हो कितना प्यारा लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में सिनेमेटिक शॉट्स में आपको दिखाता हूँ कैसे। देख सकते हो कितनी तगड़ी लाइट है, अगर आप इसका यूज़ करोगे ना भाई काफ़ी तगड़ी लाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन आपको ये देखने के लिए मिलेगा, प्लस फ्लैश लाइट भी यहाँ पे। तो भाई यूज़ करने में आप अगर किसी को दिखाओगे ना तो उसको लगेगा नहीं कि एक चीप स्पीकर है, एक काफ़ी बढ़िया प्रीमियम स्पीकर की उसको फील आने वाली है। भाई जो प्राइस आप पे कर रहे हो आप उसको वैल्यू फॉर मनी ही पे कर रहे हो, तो काफ़ी बढ़िया ये स्पीकर मुझे लगा। इसका डिज़ाइन तो यार एक नंबर है, इसको बोले तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिकॉज 5 वॉट का स्पीकर बट ऑडियो क्वालिटी ना यार दिल छू गई है मेरी, काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। काफ़ी प्यारा ये स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, एक हाथ में आपके आराम से आ जाता है। अभी आप सिनेमेटिक शॉट्स में देख सकते हो कितना प्यारा ये लग रहा है इसकी RGB लाइटिंग के साथ। काफ़ी सारी लाइटिंग से आपको देखने को मिलती है, आप जब सॉन्ग प्ले करोगे तो वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की लाइटिंग से यहाँ पे यूज़ की गई है, काफ़ी बढ़िया लुक यहाँ पे आ रहा है आप जैसे कि देख सकते हो। अगर भाई आपके पास सेटअप है, आपका गेमिंग सेटअप है, तो भी वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्यारा लुक आपको ये देगा। साथ ही साथ एक और बात आपको बता दूं गाइस, ये स्पीकर जो है UK और USA में ऑलरेडी सेल हो रहा था, काफ़ी तगड़ी सेल्स इसने लाया है। और अभी इंडिया में रिसेंटली सितंबर में ये जो है लॉन्च हुआ है। अभी बात करते हैं अपन ऑडियो क्वालिटी के बारे में। भाई 5 वॉट का स्पीकर है
ऑडियो क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब दूसरे जो स्पीकर्स रहते हैं, दूसरे स्पीकर्स, उसमें क्या रहता है, अगर आप वॉल्यूम फुल करते हो ना, वॉल्यूम फट जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी क्लियर क्रिस्टल आपको वॉल्यूम आपको देखने मिलेगी, आवाज़ आपको काफ़ी बढ़िया इसकी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आप आवाज़ आपको इसकी आती है। साथ ही साथ ये कहते हो इसकी ऑडियो भाई साउंड ना यार इतने तगड़ा है ना, 5 वॉट का लगता ही नहीं, 10 वॉट का स्पीकर लगता है ये, जबकि ये ऐसा है नहीं। 5 वॉट के स्पीकर में आपको काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आपको दे रहा है। बात करें गाइस बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 1000 mAh की बैटरी, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको ये इसकी बैटरी निकाल के दे देगी, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये देने वाला है। काफ़ी सॉलिड एंड हैवी सा स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है भाई। इसकी बिल्ड क्वालिटी ना काफ़ी कमाल की, अगर आप इसको पटक भी दोगे ना कुछ नहीं होगा यहाँ। साथ ही साथ गाइस इसकी एक और खासियत आपको बता दूँ भाई, ये है वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ है ये, पूरा प्योरली वाटर प्रूफ है। और आई गेस मार्केट का एक ऑनली स्पीकर है जो पूरा वाटर प्रूफ है, और साथ ही साथ जो कि आपको जो है वारंटी भी अवॉइड नहीं करता, अगर इसके ऊपर पानी गिर जाए या ये पानी में गिर जाए बिल्कुल भी वारंटी अवॉइड नहीं करेगा। दूसरे ब्रांड के वाटर प्रूफ ऐसा रहता है कि भाई वो वारंटी अवॉइड कर देगा। आप एप्पल का फ़ोन उठा दो, वो अगर आप पानी में डाल दिए जबकि वो वाटर प्रूफ, अगर उसको आपने पानी में डाल दिया वारंटी तुरंत जाएगी, पर इसकी वारंटी बिल्कुल नहीं जाएगी। एक लाइव एग्जाम्पल भी देख लो भाई वाटर प्रूफ है कि नहीं इसका। तो गाइज ये था एक छोटा सा क्विक रिव्यू इस म्यूजिक की तरफ से आने वाले साइबर क्यूब का। प्राइस की बात रही तो भाई 8999 में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी स्वीट सी प्राइसिंग है। बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का स्पीकर चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं। तो होप लाइक दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।